ये लो, आओ आओ, ये लो ये लो। अच्छा, ये ऊपर के मुर्गे हैं जिनके ऊपर ये लगा हुआ है। चला जाए वहाँ पे, नर्मदा घाट फिर से आ गए हैं। यहाँ बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे एक घंटा शायद मैं था इसमें। गेट पे कम से कम 4-5 लोग बैठे हुए हैं, स्लीपर के गेट पे। वो भी झेलम ऐसी आएगी तो अपन सूटकेस कहाँ चढ़ाएंगे। होशंगाबाद बस स्टैंड पे घूम रहे भलती धूप में, क्योंकि चार्जर में दूसरा उठा लाया भैया का, तो उनने बस में रख देना, तो बस में रख दिया है। अब 50 रुपये लिए यहाँ से भोपाल तक। अच्छा सिस्टम है, बस में रखवा दो, पर कुछ प्रॉपर नहीं है। मतलब बस दे दो, पकड़ा दो, नंबर नंबर दे दो, आपका पिकअप वाला बंदा आके उठा लेना चाहिए। ये चूजों के लिए कट रही है भिंडी। चल जा। भिंडी भी खाते हैं वो लोग? हाँ। चूजो, बिल्ली नहीं आएगी यहाँ पे? ये लो, आओ आओ, ये लो ये लो। ए ए ए ले, ठीक 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 आए ना, हाथ से खिलाना पड़ता है। क्या पर्पल कलर की है इसको? वो डाई करते ना मामा, वो करते हैं व्हाइट के। अच्छा, ये ऊपर के मुर्गे हैं जिनके ऊपर ये लगा हुआ है। हाँ, ये सर है। और तो दो मुर्गे दो मुर्गी? हाँ, एक डाई करी तो मारता है, ये भी नशे में सोए रहते हैं। चला जाए वहाँ पे, नर्मदा घाट फिर से आ गए हैं। यहाँ पे बिना डुबकी मारे मैं जा ही नहीं सकता। पानी भी अच्छा लगता है यहाँ का, और व्यू भी बहुत अच्छा है। उस साइड मेरे को जाना है, कुछ कुछ घाट एक्सप्लोर करने हैं। आरती चल रही है यहाँ पे, चला जाए। बहुत देर थे यहाँ पे, तो मैं गया था, पापा तो रखवाली कर रहे थे सामान की। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। एक घंटा शायद मैं था, और रात में ट्रेन है, एक टिकट कंफर्म हुई है, एक वेटिंग लिस्ट है, मतलब उसी में चले जाएंगे हम। अलाउड रहता है इंडियन रेलवेज का ये, कि अगर एक भी बंदा की टिकट कंफर्म हो गई और उसी टिकट पे बाकी लोग अगर वेट लिस्टेड है या जो भी, एटलीस्ट किसी एक की भी हो गई ना, तो यू आर अलाउड टू बोर्ड द ट्रेन। बाकी केसेस में ऑनलाइन अगर वेटिंग रह जाती है तो वो कैंसिल करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती है, पर अलाउ नहीं कर सकते। स्टिल अच्छा है, पर स्लीपर में है, और कल दोपहर में पहुँचेंगे पुणे, तो देखते हैं जर्नी कैसे होती है। हमारी ट्रेन का आने का टाइम हो रहा है, लेकिन वो भोपाल में ही लेट हो रही है। होशंगाबाद में अभी फ़िलहाल हम हैं। समय हो गया वैसे झेलम का 5 मिनट आने का, 55 का नहीं है, तो फास्ट गाड़ी गुजर रही है यहाँ से अब। नागपुर इंदौर गरीब रथ के ओवरटेक के बाद ये निकली। अच्छा, ये आ रही थी, इसके लिए लाइट जले थे ओवरटेक के लिए। अच्छा, लोग ताकि पानी आ नहीं भर सके। बहुत खचाखच भरी है इसमें। गेट पे कम से कम 4-5 लोग बैठे हुए हैं, स्लीपर के गेट पे वो भी, और अंदर भी एकदम खचाखच भरी हुई दिख रही है। झेलम ऐसी आएगी तो अपन सूटकेस कहाँ चढ़ाएंगे। झेलम ऐसी ना है यार, हमारी जो गाड़ी है ये देखो कितने लोग भरे हैं इसमें। हाँ नहीं, नॉर्मल स्लीपर है ये, गोरखपुर से बैंगलोर की गाड़ी है ना, इसलिए शायद। एसी तो नहीं भरे? अरे एसी में भी गेट में लोग हैं कुछ कुछ नहीं। एसी, हाँ
कहीं कहीं तो खड़े, इटारसी उतरने वाले खड़े होंगे। गोरखपुर से यशवंतपुर तो सच में और गाड़ियां चलानी चाहिए गोरखपुर से। एसी तो फिर भी ठीक ठाक जा रहा है। सात फ्री टायर, गुड्स का इंजन लगा है, गुड्स ट्रेन का। अरे जनरल उतना भरा नहीं है, देखते हैं स्लीपर कैसा आता है। ये ट्रेन तो ऐसी लग रही है मरी मरी सी कि सब सो ही रहे हैं। बहुत भीड़ है गाड़ी में और हमारा एक लोअर है तो उसी पे हम जैसे तैसे बैठे हैं। सामान रखने की भी ढंग से जगह नहीं है। एडवेंचर हो गया इस ट्रेन में तो। कल रात को मैं एक घंटा शायद सोया था, पापा का बैकग्राउंड इग्नोर करें प्लीज। एक घंटा सोया था मैं अराउंड ट्रेन में, ज्यादा नहीं सोया, बीच बीच में झपके आ रहे थे। और अभी इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ी मोटी वाली जो आती है ना, गरम गरम सरसों का तेल की चम्पी।